नमस्कार, आप सिमरन नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब दोस्त लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो कॉल स्कैम के शिकार हो जाते हैं। अब वो पहले शिकार हुए थे लेकिन उन्होंने उस समय ना ही तो कोई कार्रवाई करी और ना ही कोई इसके लिए एवज में कोई एक्शन लिया। बस क्या किया कि उन्होंने जो है वो अपना फ़ोन नंबर बंद किया, यानी कि सिम निकाल कर फेंक दिया। तो उन्होंने सोचा कि हम इस चीज़ से बच जाएंगे, लेकिन वही सिम जब इन्होंने दोबारा चालू किया तो एक साल बाद इनके पास एक फिर से गौरव मल्होत्रा का नाम से कॉल आया और इनको धमकी दी गई। अब ये क्या थी घटना, पूरी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, अब से एक साल पूर्व जो है ये जो भाई साहब हैं इनके ये राजस्थान से हैं और इनके पास एक अनजान लड़की का एक वीडियो कॉल आया और जिस समय एक वीडियो कॉल आया उस समय इन्होंने उस वीडियो कॉल को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद एंजॉय किया पूरा फुल और पूरा प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट, फुल बॉडी पार्ट इनका आ गया उसमें। अब जब वीडियो कॉल इनका हुआ, गलती हालांकि इनकी तरफ से भी हुई क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी हरकत करी जो कि इनको ऑन कैमरा नहीं करने चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है जब इनकी ये सब चीज़ें इन्होंने की और उसके बाद इनका वीडियो उस लड़की ने वायरल करने की धमकी दी कि भाई तुम्हारे वायरल वीडियो जो है मैं वायरल कर रही हूँ, बताइए क्या करना है, अपलोड करना है, तो उस समय पर जो भी इनके दिमाग में आया इन्होंने वो किया। इन्होंने समझा कि इस चीज़ से मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं अपना बार बार मतलब कॉल आने से बेहतर है, इनको रिसीव करने से बेहतर है कि मैं इसको नंबर को बंद ही कर दूं। इन्होंने वो नंबर बंद कर दिया। नंबर बंद कर दिया तो कुछ समय इनको राहत मिली, यानी कि कुछ टाइम तक इनका इनकी फेसबुक फ्रेंड भी लिस्ट उसके पास पहुंच गई थी, तो वहां पर भी लोगों को मैसेज किया उसने और मैसेज से इनका नंबर दोबारा से ले लिया किसी प्रकार से। अब जैसे ही इनका दूसरा नंबर भी उनके पास पहुंच गया तो फिर से लगभग एक साल बाद जो है इनके पास फिर से कॉल आया कि मैं गौरव मल्होत्रा बोल रहा हूं और आपका वीडियो इस तरीके से वायरल हो रहा है, अपलोड हो रहा है, तो आप बताएं क्या करना है। अब ये जो भाई साहब हैं ये घबरा गए क्योंकि उस समय पर जिस समय पर इनके साथ घटना हुई थी उस समय तो ना ही तो कोई इन्होंने लीगल एक्शन लिया ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाई। बस क्या किया कि अपना सिम जो है वो तोड़कर फेंक दिया। अब तोड़कर फेंकने से पीछा नहीं छोड़ा इनका, लेकिन इनकी आईडी भी उसके पास थी, फेसबुक आईडी, तो इन्होंने पूरी जानकारी उसको दे रखी थी। तो फेसबुक आईडी से फेसबुक फ्रेंड्स भी थे तो और भी चीज़ें थी। तो इन्होंने इसने जो गौरव मल्होत्रा है इसने पहले भी इनसे कुछ पैसा लिया था, बता रहे थे मैंने पहले कुछ पैसा दिया था, अब फिर वही चीज़ें पैसे मांग करने लगा और इस तरह की चीज़ें आने लगी। तो अब देखिए, जैसे इनके साथ में हुआ वैसे आपसे किसी के साथ में ना हो ऐसी कोई भी गलती जो आपको शर्मिंदा करे, ऑन कैमरा नहीं करनी है सबसे पहली बात। दूसरा, अगर आपके साथ में कोई वीडियो कॉल स्कैम हो जाता है तो इसकी शिकायत तत्काल करवाएं, तुरंत उसी टाइम पर। ये ना समझें कि इस चीज़ से पीछे छुटाएं, नंबर बंद करें, स्विच ऑफ करें, तोड़कर फेंक दें सिम, ऐसा ना करें। ये सब चीज़ें जो है वो आपको टेम्प्ररी राहत दे सकती हैं लेकिन लॉन्ग टाइम राहत नहीं दे सकती हैं। अब लॉन्ग टाइम राहत लेने के लिए आपको ज़रूरी है कि इसकी तत्काल सूचना दें अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को या फिर साइबर पुलिस को। जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ की शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, तो इन चीज़ों से आपका पीछा छूटेगा और जो व्यक्ति गौरव मल्होत्रा या फिर कोई और साइबर क्राइम ऑफिसर आपको बनकर कॉल करता है वो व्यक्ति फिर आपको जीवन में कभी भी दोबारा कॉल नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस व्यक्ति को कानूनी जानकारी है और ये मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना ही एक आपके लिए उपचार है, क्योंकि अगर आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे तो इनकी भावनाएं, इनके जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता जाएगा और ये आप जैसे किसी और अन्य लोगों के लिए अपना शिकार बनाएंगे। तो यही मेरा चीज़ें हैं कि अगर बहुत समय पहले आपका वीडियो या अपलोड हो गया हो और अब भी आपका मन कर रहा हो कि सर नहीं मुझे कंप्लेंट करनी चाहिए, तो आज भी आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई देरी नहीं हुई है। बस ये है कि आपको पास उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपके पास होने चाहिए, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। चाहे समय कितना भी हो गया हो आपके लिए, कभी भी किसी समय पर आप कर सकते हैं। सबसे बेहतर तो यही रहता है कि जैसे ही आपके साथ घटना हुई है वैसे ही आप कंप्लेंट कराएं, और अगर नहीं हुई है, नहीं मतलब देरी हो गई, हो भी गई है, तो देरी के बाद भी आप उसको कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको उसी टाइम करवा रहे हैं अब बाद में करवाने की तो कोई दिक्कत आ रही है, नहीं, आप अब भी करा सकते हैं, अब भी समय है आपके लिए अगर ऐसी चीज़ें परिस्थिति आपके सामने दोबारा से उत्पन्न हो रही है। तो बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें चैनल को, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज के वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।